आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्विक एंड इजी डिवाइन चॉकलेट केक की रेसिपी। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केक को बनाने के लिए मैं एक बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट करूंगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, 1/2 कप कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। अब सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी 3/4 कप चीनी और लास्ट में 1/2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी। अब इन सबको मैं मिक्स करूंगी। अब एक सेपरेट बाउल में मैं वेट इंग्रेडिएंट्स लूंगी। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 अंडे, ये रूम टेम्परेचर पे है, 3/4 कप मिल्क, मिल्क भी मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप ऑयल। अब मैं इन वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। ये अच्छी तरह से बीट हो गया है मिक्सचर। अब मैं इसमें 1/2 कप गर्म पानी ऐड करूँगी, इसकी अगेन बीटिंग करूँगी। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं थोड़े थोड़े पोर्शंस में ऐड करती जाऊंगी और बीट करूंगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9x9 इंच का स्क्वायर पैन और अब मैं इसमें वैक्स पेपर लगा दूंगी। मैंने इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें ये केक बैटर ऐड करूंगी। अब मैं इसे थोड़ा सा टैप करूंगी ताकि अगर इसमें कोई एयर बबल्स हैं तो वो पॉप हो जाए। इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं 25-30 मिनट्स के लिए बेक करूंगी और फिर से चेक करूंगी। अगर ये डन नहीं हुआ होगा तो फिर से मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं और बेक करूंगी। जिनके पास अवन की फैसिलिटी नहीं है वो भी इस केक को एंजॉय कर सकते हैं। बस एक पॉट में आप कोई वायर रैक रख कर आप इस मोल्ड को रख दीजिए और सेम टाइमिंग पे उसे चेक कर लें तो आपका बहुत मज़ेदार चॉकलेट केक रेडी हो जाएगा। जब तक हमारा केक बेक होगा मैं यहाँ इसकी टॉपिंग रेडी कर लूँगी, जिसके लिए मैं यहाँ पे लूँगी 1/2 कैन स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। ये बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा नहीं होगा क्योंकि मेरा कोको पाउडर अनस्वीटेंड है। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब मैं इसे बीट कर लूँगी। और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर मैंने बीट कर लिया था और अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे हिलाते हुए 4-5 मिनट्स के लिए कुक करूंगी। जब इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा तो मुझे इसमें 1/4 कप क्रीम को भी ऐड करना है। इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है वरना ये जल सकता है। यहाँ मुझे 3 मिनट्स हो गए हैं इसे कुक करते हुए। अब मैं इसमें 1/4 कप क्रीम ऐड करूंगी। अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ये कंडेंस मिल्क की स्वीटनेस को माइल्ड करेगा थोड़ा, इसलिए मैंने इसमें क्रीम ऐड किया है और इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। अगर आपको लगे कि ये आपके पैन से लग रहा है तो आप इसे इस तरह से हटा लें पैन पे से और फिर दोबारा रखते हैं। यहाँ मुझे 1 मिनट हो गया है क्रीम के साथ इस मिक्सचर को पकाते हुए और अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। जब ये ठंडा होगा तो ये और थोड़ा थिक हो जाएगा। तो ये हमारी केक टॉपिंग रेडी है। यहाँ पे मेरा केक रेडी हो गया है और अब मैंने इसे वायर रैक पे रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और फिर मैं इसे डेकोरेट करूँगी।
यहाँ पे मेरा केक अच्छे से ठंडा हो गया है और ये काफ़ी सॉफ्ट केक बना है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी टॉपिंग करूँगी। ये जो हमने सॉस बनाई थी ये मैं पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। तो ये रेडी है मेरा, बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही डिलीशियस डिवाइन चॉकलेट केक। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।